ما نسكبه وبعت لك ما لا تقول أنا كذا 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 आप देख सकते हैं कि किस तरह जाम का समाधान करना पड़ रहा है और हम अभी इस समय बक्सर से कुचल जा रहे हैं। रास्ता इतना कठिन हो गया है कि मानो सड़क खदर चढ़ाव की नजर आ रहा है। पूरे भारत से ट्रक को खदर खदर कर इस बिहार के कुछ इस रास्ता में डाल दिया गया है। जहाँ तक आप देख सकते हैं कि ड्राइवरों का पूरा हालत है, कोई खा रहा है तो कोई नहा रहा है। इस समय देख रहे हैं दोपहर के 2:30 बज गए हैं, 3 बजने वाला है। गाड़ी ड्राइवर कितना धीरे धीरे जा रहा है, स्लोली स्लोली, और नाम फिर जाम लगा के रखे हुए हैं। ये 5 किलोमीटर की दूरी है जो कि कोचर से रोड इतना जाम चल रहा है कि कोई है नहीं। ड्राइवर तो ड्राइवर खलासी भी है। हाँ, हमारे धर्मेंद्र भैया पीछे जो बैठे हैं आप देख सकते हैं सो गए हैं। और ये देखिए ट्रक, नया पुराना ट्रक, हर ट्रक से है। आप देख सकते हैं ट्रक किस तरह है और किस तरह ट्रक का रफ्तार भी है। और ट्रक का रफ्तार आप देख भी सकते हैं कि किस तरह, आप देख सकते हैं कि हादसा भी हो सकता है। रोड इतना सरकरा हो गया है और उसमें भी बारिश का मौसम, आप देख सकते हैं रोड एकदम गीला हो चुका है और धीमी धीमी बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी हम कैमरा कर रहे हैं, क्या करें कैमरा। और आप देख सकते हैं मनीष खा भी रहा है, खाते हुए मनीष का पूरा हाल हो गया है, लेकिन फिर भी वो खा रहा है, खाना तो खा ही रहा है। और ये धर्मेंद्र भी हमारे डर रहे हैं गाड़ी चलाते चलाते कहीं गाड़ी ठीक ना जाए। तो देखिए भकुंडा खा रहा है और पीछे देख सकते हैं भकुंडा को, भकुंडा खा रहा है भर पेट और ट्रक कर जा रही है गाड़ी। और क्या करे भाई साहब, जाना तो पड़ेगा, क्या करे। गाड़ी में नो ब्रेक, नो ऑन डेज, ऑनली फॉर योर हेल्थ और कैमरा मैन के साथ है। तो बस हम जल्द से जल्द कुछ पहुंचने में ये चल रहे हैं, क्या करे, कुछ बोलने में भी भूल जा रहे हैं। और खाओ माल जो है वो खा रहा है, आप देख सकते हैं, आपने देखा कि वो पीला खा रहा है, क्या करे। हम भी सुबह से जाम, यही नहीं सरकारी गाड़ी भी है फंसी हुई, आप नजर देख सकते हैं कैमरा जो कि है, सरकारी गाड़ी 12 बजे के चली है, 3 बज गया है, वो भी फंसी है इस जाम में। देख सकते हैं लाइट बार रही है और हाय हाय पैंट पैंट कर रही है, इतना ट्रक है कि मैं जाम लगा के रख दिया है। और ये देखिए ये 1000 ट्रक हो चुका है और ये 1000 से ऊपर ट्रकों की रफ्तार है मेरे आगे। अब बताइए क्या बात है, और मेरे को वीडियो करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब बेचारा ठेला वाला भी ठेल के जा रहा है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, खाऊ माल फिर भी खा रहा है। देख आपने देखा कि उसका तिलवा खत्म नहीं हो रहा है, तिलवा पर तिलवा खा रहा है। ये देख सकते हैं जीप का रफ्तार जो है धीरा है, क्या करे, गाड़ी है तो गाड़ी है भाई, अब क्या करे। ट्रक मेरा बैटरी स्लो हो गया है, लेकिन ट्रक स्लो होने का नाम है नहीं ले रही है। ट्रक कितना है मैं तो गिनते गिनते थक गया है, लेकिन अब 2000 के पार हो चुकी है ट्रक। आप देख सकते हैं यही वीडियो में महात्मा जी को भी दिखाऊंगा और उनसे कहूंगा कि अगली बार से माल इस रूट में ना भेजे, बल्कि हमारा रूट चेंज करे, ये कोचस महाकोचस हो गया है। अब बताइए माल को कोचे की ट्रक को खोचे। ये देख सकते हैं रोड कितना गीला हो गया, इधर बारिश का माहौल है, बारिश 1 घंटा पहले भी हुआ है, रोड हालांकि रोड है इसलिए सूख गया है। आप देख सकते हैं नया पुराना ट्रक, हर टाइप का ट्रक है। और ये जो है वो दाहिने साइड से दबा कर बेचारे खड़े हो गए हैं, क्या करें, आप देख सकते हैं। लीजिए अब वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।